अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिया। वेलकम बैक टू जियाज किचन एंड व्लॉग्स। तो बहुत दिनों से मैं अपने इस चैनल पे कोई कोकनी रेसिपी लेके आने का सोच रही थी और फाइनली आज वो दिन आ चुका है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही फेमस ऐसी कोकनी रेसिपी, खजूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खजूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में 150 ग्राम पीटी शक्कर ऐड कर देंगे और अब हम इसमें 3 अंडे ऐड कर देंगे। यहाँ पर अंडे थोड़े छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने 3 अंडे ऐड कर दिए हैं। और अब हम इन दोनों को अच्छे से फेंट के ले लेंगे। हमें अंडे और पीटी शक्कर को बहुत ही अच्छे से फेंट के लेना है जब तक कि इसका ये येलो कलर थोड़ा सा वाइट ना हो जाए और हमारे बैटर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहे तो हाथ की जगह जो हम केक बनाने के टाइम बीटिंग मशीन का यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है हाथ से करने के लिए। बैटर का कलर चेंज होते ही अब मैंने इसमें 40 ग्राम घी और ऑयल मिक्स करके ऐड किया है। आप चाहे तो पूरा 40 ग्राम घी ऐड कर सकते हैं। ऑयल डालने से हमारी खजूरी बहुत ही खस्ती बनेगी इसलिए मैंने ऑयल का यूज़ किया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करके इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 150 ग्राम इतनी मोटी सूजी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। 150 ग्राम मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कप भर के हो जाएगा सूजी। सारे मेजरमेंट हमने सेम कप से ही मेजर किए हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून भर के इलायची पाउडर और 1/4 इतनी बेकिंग पाउडर ऐड करके इन सबको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। खजूरी बनाने के लिए हाथ से फेंटना मतलब थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये जब खजूरी बनके तैयार होती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम इसमें 150 ग्राम इतना मैदा ऐड करके इन सबको हाथ से अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे, एक आटे की तरह बना के ले लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अभी ये थोड़ा सा आपको गीला ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तब ये बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। अब हम इसे ढक के 6 से 8 घंटे तक रेस्ट करने रखेंगे। मैंने यहाँ पे रात भर के लिए छोड़ दिया था। रात भर आटे को रेस्ट देने के बाद हमारा आटा कुछ इस तरह से तैयार होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से डो हमारा बनके तैयार है। तो अब हम इनको अच्छे से मसल के ले लेते हैं। इनके हम किसी नाइफ से वगैरह ऐसे पीसेस करके ले लेंगे और इसी आटे में से एक पीस लेके हम इसको बेल के ले लेंगे। हमें बहुत ही पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। इसको बेलते टाइम थोड़ा सा घी से ग्रीस करके ले लेंगे और एक पराठे की तरह बेल के लेंगे। थोड़ा मोटा ही रखेंगे हम इसको, पतला करेंगे तो हमारी खजूरी अच्छे नहीं बनेंगे। तो मार्केट में इस तरह से कुछ कटर मिलते हैं तो उनके हेल्प से मैं यहाँ पे खजूरी बना के लेती हूँ, उनको शेप दे के लेती हूँ। सारे शेप दे के होने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल के रख लेंगे। और एक साइड में मैंने यहाँ पे ऑयल गरम रखा था करने के लिए, तो उसमें हम एक एक हमारी खजूरी फ्राई करने छोड़ देंगे। खजूरी को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी खजूरी अच्छे से फूल रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर भी आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी खजूरी बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। तो हम दोनों तरफ से कुक करके ले लेते हैं। माशाल्लाह खजूरी को दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है। तो अब हम इनको टिश्यू पेपर पर निकाल के लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपके पास कटर नहीं होगा तो किस तरह से हम खजूरी बना सकते हैं। मार्केट में इस तरह से खसखस मिलती है तो मैंने इस दूसरी वाली खजूरी पे इस तरह से खसखस थोड़ी सी ऐड करके हाथ के हेल्प से ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके लिया है। और अब हम इसको एक नाइफ की हेल्प से इस तरह से हम शेप दे के ले लेंगे।
आपको जो अच्छा लगे आप वो शेप दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिना कटर के आप इस तरह से खजूरी बना सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा कलर आते ही अब हम इन सब को निकाल के ले लेते हैं और इनकी अच्छे से प्लेटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे और प्यारे दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत ही ये खस्ते बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना।